हरे हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। दोस्तों, अभी हम हैं श्री बाबा बैद्यनाथ धाम धर्मशाला में, और यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कावर वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे जो है रात्रि को प्रोग्राम भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रात्रि को प्रोग्राम भी होता है और हर चीज का यहाँ पे व्यवस्था है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, एक बम जी है और इनका जो टीम जो है, बहुत सारे बम आए हैं, तो जानते हैं जो उड़ीसा के बम है, इनके टीम का क्या नाम है, जो ग्रुप का, और उसके बाद कैसा है ये धर्मशाला और पद कैसा रहा है, पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि प्रत्येक वर्ष जैसे कि बताते हैं कि इसी धर्मशाला में रहते हैं, और क्यों यहाँ पे ठहरते हैं, क्या क्या सुविधा है, वो सारी चीज बताएंगे। तो सबसे पहले हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले आपने ग्रुप का नाम बता दें। हमारे ग्रुप का नाम है बाबा बैद्यनाथ ग्रुप, बरगढ़ उड़ीसा। उड़ीसा। तो यहाँ पे जो आप जैसे हमें बताएं कि प्रत्येक वर्ष जो है, जब भी हम लोग अगर रहते हैं गुड़ियारी के बाद, आपका यहाँ पे ही विराजमान होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपने रात भर रखते हैं, उसके बाद सवेरे निकलते हैं। हाँ, उसके बाद हम सवेरे निकलते हैं, रात को करीबन 2 बजे से उठ के यहाँ से सीधा बाबा मंदिर की तरफ जाते हैं, शिवगंगा में नहा के सुबह 6 बजे तक हम जल ढारते हैं। यहाँ पे रुकने का मकसद क्या, और भी तो आगे जाके रुक सकते हैं? यहाँ पे रुकने का मकसद ये है, ये हमारे 200 साल से चलते आ रहा है इसी धर्मशाला में। अच्छा, 20 साल से? 20 साल से। तो ये हमको बहुत बढ़िया लगता है, जचता है, और खुद का निजी जैसा लगता है। सबसे बड़ा बात है, हमारे ग्रुप का नाम है बाबा बैद्यनाथ ग्रुप, और ये धर्मशाला का नाम ही है बाबा बैद्यनाथ धर्मशाला। अच्छा, सही बोले। और आप जो कवरिया पद के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग सफर किए हैं। मैं 19 साल से चलते आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज देखा मैं बाबा बैद्यनाथ धाम में, ये बार बहुत काफी अच्छा सुविधा किया है सरकार ने, जिला प्रशासन ने बढ़िया किया है, बिहार सरकार भी बढ़िया किया है, इधर आपका झारखंड सरकार भी बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किया है। इस बार रास्ता का लिए कोई नहीं है, कवरिया पद बहुत टिप टॉप है। इसमें आपका कोई ऐसे टीम में कोई ऐसे बम होंगे जो न्यू जुड़े हुए हैं आपसे अभी ग्रुप में? हमारे न्यू जुड़े हुए ग्रुप बोलने से पिंटू जी आइए। तो देखिए, एक न्यू जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं कि इनको कैसा लगा, क्योंकि इन्होंने तो 19 सालों से सफर किए हैं और ये पहला है। तो बम जी, आप फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हैं, तो आपको कैसा रहा सफर? जय बाबा बैद्यनाथ। अच्छा लग रहा है, और रास्ता भी सब अच्छा है, हमारे जितने भी बम लोग हैं उन लोगों को रास्ता अच्छा लगा, और जैसे कि चल रहे हैं भी बम लोग भी मिस रहे हैं, उन लोगों का मनोरंजन के लिए भी हर धर्मशाला हो कि रास्ते में हो, उन लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आप कुमरशार नदी, एक नदी और मिला होगा इसके पहले, उसमें पानी था आपका? हाँ था, उतना भी नहीं था कि अच्छा लग रहा था सबका, कवरिया और लोगों का पैर धोने की जैसे। कुमरशार नदी है, कुमरशार नदी में ज्यादा पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन पानी बोलने से गोडियारी में ठीक पानी है, ज्यादातर नहीं है। आइए और एक भैया से जानते हैं, क्योंकि इस टीम के और भी मेंबर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो बम जी, सबसे पहले बताइए आपको कौन सा जगह बेहतर लगा इस बार जो कावर लेके चले? सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट देखने के लिए मिला, लोगों का जो सेवा कर रहे हैं आप, यहाँ बिहार में जो जितने भी धर्मशाला है, सभी धर्मशाला में पूरा सुव्यवस्थित है, पानी से लेके भोजन से लेके प्रसाद से लेके सारा चीज का, इतना एकदम फ्री सुविधा, मेडिकल सुविधा से लेके सब कुछ वो लोग इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं कि महसूस नहीं करता कोई, चाहे कितने भी रास्ते में तकलीफ हो, पैर छिला हुआ हो, कुछ भी हो, आराम से घर में जैसे हम परिवार से मिलता है हमें, या हॉस्पिटल से जो सेवा मिलता है हॉस्पिटैलिटी, यही पूरा देखने के लिए मिल रहा है। मैं तो आश्चर्य में देखूँ, इतना लोगों का रुझान है यहाँ, और इतना लोगों का सेवा करना एक मायने रखता है। और एक चीज आप देखे होंगे, जितने भी शिविर लगे हुए हैं, बहुत सारे अभी एक शिविर नहीं लगा हुआ, क्योंकि अभी जो दो टर्म में जो है हमारा सावन लगने वाला है, तो दूसरे चरण में हो सकता है कि बहुत सारे और भी शिविर लगने वाले हैं।
जिसमें कि अपने जो बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, जो अपने से जो कि उनको अपने से खुद सेवा करते हैं। और आपको कैसा लगा बम जी? बहुत अच्छा लगा सर। और कुछ दिक्कत हुआ क्या? सुइया पहाड़, जैसे आप सुने होंगे सुइया पहाड़, पहले हम भी सुनते थे और बेसिकली हम बाबा कृपा से मुझे दिखाने का भी मौका मिल रहा है सुइया पहाड़ वगैरह, तो कैसा था? मतलब कि सुनते थे ना काफी चुभता था पाँव में, तो अभी क्या ओसा ही था या कुछ? पिछले साल मैं तो आया था, लेकिन पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा धूप हुआ बोल के लोग परेशान हुआ है। लेकिन 2001 को आया था उसी सुइया पहाड़ से, इतना बड़ा बड़ा पत्थर था जो कि पैर में बहुत चुभता था, और आज के अंतर में देखने से बहुत अंतर मिलेगा। वो समय आज के समय में इतना व्यवस्था है, बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन से और मोस्टली राज्य सरकार से भी कि और बढ़े सेवा मनोभाव और बढ़े, ताकि लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ आए और भगवान का जो ये है आशीर्वाद है सबको मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पे एक और है बम जी, जो कि अंकल के जो सुपुत्र है ना आपके, तो सबसे पहले हर हर महादेव बम जी। हर हर महादेव। तो थोड़ी आपका कितने वर्ष हो गया आते हुए? मेरा करीब 6 साल 7 साल हो गया। 6 साल या 7 साल हो गया ना, तो 6 साल और अभी में दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? अभी अच्छा लग रहा है कि वो पिछले बार तो उतना ज्यादा नहीं था, इस बार अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एंजॉय कहाँ कहाँ आप ज्यादा किए? अभी फिलहाल तो हमारा गुड़ियारी में एंजॉय करेंगे। हम लोग तो रास्ते भर एंजॉय करते हैं, पूरा उड़िया उड़िया गाना समलपुरी गाना नाच नाच के आते हैं। अच्छा, उड़िया और समलपुरी ना गाना हर हर जगह हर स्टॉपेज में पूरा धुमाधुम नाचते नाचते है, बाबा का नाम लेके फिर भी नाचते नाचते आते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। देख सकते हैं इस तरह। और थोड़ी सी जो है ना, अभी अभी बहुत सारे बात करते हैं लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया जिसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है साउंड में, तो आगे मिले। बाबा बद्रीनाथ की हर हर महादेव। बोल बम बोल बम। हरे कृष्णा 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 Oh,
Thank you.